Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका testbook.com में। लॉकडाउन फेज 5, गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन फेज 5 की नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और ये सिर्फ लॉकडाउन नहीं है, ये रीओपनिंग है। जी हाँ, रीओपनिंग अनलॉक फेज 1 कहा गया है इसको, और इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो लॉकडाउन का फेज 5 है, इस समय लॉकडाउन का फेज 4 चल रहा है जो 31 मई 2020 को खत्म होने वाला है। उसके बाद जो लॉकडाउन का फेज 5 है, जो रीओपनिंग है, उसमें किन किन चीजों में परमिशन मिलने वाली है, कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो अलाउ कर दी जाएंगी और किन चीजों पर रिस्ट्रिक्शंस जारी रहेंगे। अभी हाल ही में देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो राज्यों के मुख्यमंत्री है उनके साथ बैठक की थी और उनसे सुझाव मांगे थे कि आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन का जो फेज 4 है वो 31 मई को खत्म हो रहा है। तो उन्हीं सुझावों को देखते हुए और बाकी सारी जो सिचुएशन है इस समय देश में, उन सभी सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पर नई गाइडलाइंस जारी की गई है लॉकडाउन फेज 5 की, और इसको रीओपनिंग अनलॉक फेज 1 कहा गया है। तो इस वीडियो में हम जो नई गाइडलाइंस आई है उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो कंटेनमेंट जोन है जहां पर कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है और संक्रमण का खतरा भी सबसे ज्यादा है, वहां पर जो चीजें हैं, जो रिस्ट्रिक्शन है, वो पहले की तरह लागू रहेंगे। जैसे कि जो 13 शहर है जहां पर देश के कोरोना मामलों के कुछ 70% जो मामले हैं वो उन 13 शहरों में, जिसमें दिल्ली भी आता है, मुंबई भी आता है, पुणे आता है, कोलकाता आता है और ठाणे जैसे बाकी शहर आते हैं, उन जैसे शहरों में जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर कोई भी छूट नहीं दी गई है। जैसे पहले रिस्ट्रिक्शंस थे वैसे ही लागू रहेंगे। और अब हम बात करते हैं जो रीओपनिंग है, जो अनलॉक फेज 1 है, जो ऐसे शहर जहां पर जो कंटेनमेंट जोन में नहीं है उनके लिए जो नई गाइडलाइंस आई है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सवाल हमारे मन में आता है कि जो रीओपनिंग है उसके कितने फेज होंगे। तो देखिए, उसको अभी 3 फेज में बांटा गया है, रीओपनिंग अनलॉक फेज 1, अनलॉक फेज 2 और अनलॉक फेज 3। और अभी हम बात करेंगे फेज 1 की, क्योंकि अभी फेज 1 लागू होगा तो हम बात करते हैं फेज 1 की। तो देखिए, जो रीओपनिंग अनलॉक फेज 1 है वो 1 जून से लागू होगा और 30 जून 2020 तक लागू रहेगा। जी हाँ, 1 जून से जो रीओपनिंग अनलॉक फेज 1 है, जो लॉकडाउन 5.0 का, वो 1 जून से लागू होगा और 30 जून 2020 तक लागू रहेगा। अब देखिए, हम बात करते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो फेज 1 है, जो लोग फेज 1 है उसमें अलाउड होंगी, उनमें परमिशन मिलेगी। तो देखिए, जो फेज 1 है जो 1 जून से लागू होगा और 30 जून तक रहेगा, उसमें जो जिन एक्टिविटीज की परमिशन मिली है, देखिए उसमें जो आपके धार्मिक स्थल हैं, जो वर्शिप प्लेसेस हैं, उनको अनुमति मिल गई है और वो खोले जा सकते हैं। उसके साथ साथ जो होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं और जो हॉस्पिटैलिटी सर्विस हैं, जो शॉपिंग मॉल्स हैं, वो सभी 8 जून 2020 से खोले जाएंगे। जी हाँ, रिलीजियस प्लेसेस, वर्शिप प्लेसेस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटैलिटी सर्विस और शॉपिंग मॉल्स 8 जून 2020 से खोले जा सकते हैं। अब देखिए, 8 जून 2020 क्यों, अगर 1 जून से फेज 1 लागू हो रहा है तो 8 जून से क्यों, एक हफ्ते का समय क्यों मांगा गया है? तो देखिए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, एक एसओपी है उसको फॉलो किया जाएगा, उसमें जो विभाग होते हैं, जो कार्यालय होते हैं, जो मंत्रालय होते हैं, उनसे डिस्कशन किया जाएगा कि किस तरह से इसको लागू किया जाए, जो राज्य है, जो शहर है, उन सबसे डिस्कशन किया जाएगा कि किस तरह से इनके ऑपरेशन को लागू किया जाए, किस तरह से इनको खोला जाए, वो सारी चीजें डिस्कस होंगी। उसके बाद 8 जून 2020 से इन सभी चीजों को खोल दिया जाएगा, रिलीजियस प्लेसेस, वर्शिप प्लेसेस, होटल्स, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, इन सभी को 8 जून 2020 से खोल दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ पर्सन्स एंड गुड्स, यानी कि आप बिना रोक टोक जो आपका मूवमेंट, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर मालवाड़ा हो, गुड्स हो, वो उन सभी का मूवमेंट हो सकता है, इस पर भी प्रतिबंध हटा दिया गया है। हाँ, इसकी एक बात कही गई है कि अगर राज्य चाहे तो वो अपनी सिचुएशन के अनुसार, जो स्थिति है उसके अनुसार चाहे तो इस पर से रोक हटा सकते हैं या रोक लगा सकते हैं। तो राज्यों को भी ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने राज्य में या राज्यों के कुछ क्षेत्र हैं उनमें सिचुएशन के हिसाब से इस पर रोक और प्रतिबंध जो है वो लगा सकते हैं या हटा भी सकते हैं। तो बेसिकली जो फेज 1 में जो एक्टिविटीज चालू होने वाली हैं 8 जून से, वो हैं आपके रिलीजियस प्लेसेस खुल जाएंगे, आपके वर्शिप प्लेसेस खुल जाएंगे, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाजत दी जाएगी, उसके साथ बिना रोक टोक मूवमेंट हो सकता है व्यक्तियों का और माल भाड़े का भी। तो ये फेज 1 में सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है, फेज 1 में इन एक्टिविटीज को खोल दिया जाएगा। अब बात करते हैं फेज 2 की। तो देखिए, जो फेज 2 और फेज 3 में जो चीजें आएंगी वो फेज 1 में कोई भी अलाउ नहीं होंगी।
फेज वन में जो चीजें मैं आपको बताई है यही सब अलाउ है। उसके बाद जो मैं फेज टू और फेज थ्री की चीज बता रहा हूँ वो आगे के लिए है, फेज टू लागू होगा जब फेज थ्री लागू होगा वो की बात है। तो हम बात करते हैं कि फेज टू में किन किन चीजों को रखा गया है। तो देखिए फेज टू में आपके स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो जो भी शैक्षणिक संस्थान है वो फेज टू में रखे गए हैं। इन पर राज्यों के द्वारा, केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा चर्चा की जाएगी, सुझाव मांगे जाएंगे कि खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। ये सारी जो चीजें हैं ये फेज टू के लिए रखी गई हैं, यानी 30 जून तक तो इन पर कुछ नहीं होना है। ये 30 जून तक इनको फेज टू में रखा गया है। राज्यों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा फेज टू लागू करने से पहले, उसके बाद देखा जाएगा कि स्कूल, कॉलेज, जो शैक्षणिक संस्थाएं उनको खोलना है या फिर नहीं खोलना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो फेज वन में, जो अनलॉक फेज वन है उसमें, जो जून 1 से लागू हो रहा है उसमें बंद रहेंगी पूरे देश में। तो देखिए इंटरनेशनल फ्लाइट जो है आपकी, यानी इंटरनेशनल एयर ट्रेवल है वो बंद रहेगा। उसके बाद जो आपकी मेट्रो रेल सेवाएं हैं वो बंद रहेंगी। आपके सिनेमा हॉल्स, असेंबली हॉल्स, थिएटर्स और जो सिमिलर प्लेसेस हैं, इस तरह की जो चीजें हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगी। और सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस जो है वो सभी पूरी तरह से बंद रहेंगे। यानी कि जो सोशल गैदरिंग है जहां पर ज्यादा भीड़ जमा होती है उस तरह की सारी एक्टिविटीज पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी फेज वन में। और ये जो चीजें जो मैंने बताई आपको, फ्लाइट्स हैं, मेट्रो रेल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, असेंबली हॉल्स हैं, बार्स हैं, जिम हैं, ये सारी जो स्विमिंग पूल्स हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये फेज थ्री के लिए डाली गई हैं और इन पर आने वाले समय में फैसला लिया जाएगा। फिलहाल के लिए ये पूरे देश में, चाहे कोई भी एरिया हो, पूरे देश में ये बैन है, प्रतिबंधित रहेंगी। तो अब मैं आपको देखिए कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ जो गाइडलाइंस में आए हैं। तो वो देखिए ये है, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा लेकिन नाइट कर्फ्यू का जो समय है उसको बदल दिया गया है। अब रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, यानी आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं इस समय के दौरान। और उसके बाद देखिए, नेशनल डायरेक्टिव्स फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट शैल कंटिन्यू टू बी फॉलोड थ्रू आउट द कंट्रीज, यानी पूरे देश में जो नेशनल डायरेक्टिविटीज है कोविड-19 मैनेजमेंट की वो पूरे देश में लागू होंगी, उनको पूरे देश में फॉलो किया जाएगा। उसके बाद देखिए जो कंटेनमेंट जोन है वो राज्यों को डिसाइड करने होंगे कि वो किस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में डालना चाहते हैं, किसको नहीं डालना चाहते हैं, ये राज्यों और जो स्थानीय प्रशासन है उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। तो इस तरह से देखिए नाइट कर्फ्यू आपका जारी रहेगा और जो गाइडलाइंस है नेशनल डायरेक्टिविटीज फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट वो पूरे देश में फॉलो की जाएंगी और जो कंटेनमेंट जोन है उनको डिसाइड करने का फैसला जो है वो राज्यों को और स्थानीय प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब देखिए हम बात करते हैं, देखिए इस टेबल के जरिए बहुत सरल भाषा में एक बार फिर से समझ लेते हैं कि 1 जून से 30 जून तक कौन सी चीजों को परमिशन मिली है, अलाउ परमिटेड किए गए हैं, जो एक्टिविटीज जारी रहेंगी और कौन सी एक्टिविटीज बंद रहेंगी 1 जून से 30 जून के बीच में, यानी फेज वन में। तो देखिए जो जिन एक्टिविटीज को अलाउ कर दिया गया है, जो परमिटेड है, उसमें आपके जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो वर्शिप प्लेसेस हैं वो खोले जा सकते हैं, जो आपके होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं वो खोले जा सकते हैं, आपके शॉपिंग मॉल्स खोले जा सकते हैं और बिना रोक टोक व्यक्तियों का और सामान का जो मूवमेंट है वो हो सकता है, यानी अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। तो ये जो सारी चीजें हैं ये रीओपनिंग अनलॉक फेज वन जो 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा उसमें अलाउ कर दी गई है। और जो एक्टिविटीज अभी बंद रहेंगी जो फेज टू और फेज थ्री में आएंगी उन वो मैं बता देता हूँ, आपके स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, थिएटर, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रो रेल, आपके जो जिम है, स्विमिंग पूल है, ये सब पूरी तरह से बंद रहेंगे। तो आपके एंटरटेनमेंट पार्क हैं, जो आपके बार्स हैं, और नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। ऑडिटोरियम जो है, असेंबली हॉल्स है, ये सभी पूरी तरह से बंद रहेंगे फेज वन में। तो इस टेबल से आप समझ सकते हैं कि आप 1 जून से आपको कौन कौन सी चीजों में रियायत मिलने वाली है, कौन कौन सी चीजों से रिस्ट्रिक्शन हटने वाले हैं और कौन कौन सी चीजों पर रिस्ट्रिक्शन जारी रहेंगे जिनको फेज टू और फेज थ्री में डाला गया है। तो ये थी जानकारी लॉकडाउन 5.0 जिसको रीओपनिंग अनलॉक फेज वन का नाम दिया गया है, जो 1 जून 2020 से लागू हो जाएगा और 30 जून 2020 तक चलेगा। इसलिए इसके लिए यहाँ पर गृह मंत्रालय, उन्होंने यहाँ पर गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें मैंने आपको पहले बताया जो रिलीजियस प्लेसेस है, आपके शॉपिंग मॉल्स हैं, जो आपके वर्शिप प्लेसेस हैं, इनको खोल दिया जाएगा 8 जून से। इसके लिए एक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा जिसमें एक हफ्ते का समय लग सकता है। जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो जो मंत्रालय है, जो विभाग है, उनसे चर्चा करेगा, उसके बाद 8 जून से इनको खोल दिया जाएगा।
इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और ऐसे एस्पिरेंट जो अपनी स्टडी के लिए अपने स्टडी मटेरियल की घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे टेक्स्ट बुक के साथ अपनी एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं, और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए और एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स के लिए टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।